Khan and Kalki Kochlin attended the special screening of the film The Virgins. Both the actors shared their views on watching the film. बहुत ही मज़ेदार थी. इट्स एक्चुअली ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता हूँ. आई डोंट वांट टू स्पॉइल द फिल्म, बट आई थिंक इट्स अ वेरी रेलेवेंट, वेरी वेरी टॉपिकल थिंग. जिसकी शादी होने वाली है, जो सोचा है कि वो शादी करने वाले हैं, आई थिंक दैट दे विल रिलेट अ लॉट टू दिस फिल्म. आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, द आइडिया ऑफ वर्जिन्स एंड पीपल हु आर कंसर्न अबाउट बीइंग अ वर्जिन और नॉट बीइंग अ वर्जिन बिफोर मैरिज, यू नो, एंड वी डोंट सी दैट ऑफन एक्सप्लोर्ड इन सिनेमा, सो इट्स नाइस. शॉर्ट फिल्म है और द वर्जिन्स इसका नाम है. वर्जिनिटी किस तरीके से हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करती है, लोग क्या समझते हैं उससे, अंडरस्टैंडिंग क्या है, एक सोशल कंडीशनिंग जिसकी हम बात करते हैं, सोसाइटी कैसे हमारी विचारधाराओं को कैसे बदलती है, उसके बारे में फिल्म है. बट इन अ वेरी लाइट कॉमेडी, यू नो, वेरी इन अ वेरी हिलेरियस वे. तो मतलब कुछ ऐसा, इट्स नॉट अ सोशल मैसेज और इट्स नॉट रियली हैवी ऑन द माइंड. सो हल्की फुल्की सी फिल्म, देख के मजा आया. एक तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त अक्षय काम कर रहा है, जिसको मैं अपने बचपन से जानता हूँ. तो ऑब्वियसली आई कम टू सपोर्ट हिम. उसके अलावा इस फिल्म में दिव्येंदु शर्मा है, जिसने बहुत ही अच्छा काम किया है. वेरी वेरी इजी, एफर्टलेस, वेरी फनी वर्क. इसमें बेसिकली जो चीज़ें बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे लोग एक सोसाइटी में चलता है ना, कि वर्जिनिटी बहुत बड़ी चीज़ है हमारे यहाँ पे, यू नो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, संस्कार और वो सब जितनी धकियालू सी बातें हैं. तो मेरा जो कैरेक्टर है वो एक्चुअली इन सबको रिप्रेजेंट करता है, यू नो. तो वो बेचारा यही समझता है कि भाई, यू नो, लड़की का वर्जिन होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ही इज़ अ वर्जिन, यू नो, दैट स्पेशल थिंग, ऐसे कह सकते हैं. तो एक छोटी सी ऐसी एक इंट्रिकेट सी चीज़ जो कैरेक्टर में आपको देखने को मिलती है.